So guys, Samsung Galaxy S21 series कुछ टाइम पहले लॉन्च हुई थी और स्टफ लिस्टिंग्स आने के लिए Samsung Galaxy S21 Ultra स्मार्टफोन की बहुत ही डिजेक्सी अनबॉक्सिंग मैंने ऑलरेडी लाइव कर दी है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक चेकआउट नहीं किया आप जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। बट जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं Samsung Galaxy S21 लाइनअप के ना जितने भी प्रोडक्ट हैं यहाँ पे हमारे पास आ चुके हैं और आज की वीडियो में फोकस करेंगे हम Samsung Galaxy S21 Plus स्मार्टफोन पे। ये सीरीज का मिडिल टीयर जो स्मार्टफोन है ये है और अगर इस एस को आप ध्यान से देखो ना तो फैंटम वायलेट जो कि Samsung Galaxy S21 सीरीज का नया आइकॉनिक कलर वेरिएंट है यहां पे कंपनी ने मेरे पास भेजा है। 8GB RAM 128GB वेरिएंट जो है Samsung Galaxy S21 Plus स्मार्टफोन का आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए अनबॉक्स करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल शर्मा और आज की वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं Samsung Galaxy S21 Plus स्मार्टफोन को। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो हर बार की तरह वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नाउ विदाउट वेटिंग एनी फर्दर लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, ये है बॉक्स Samsung Galaxy S21 Plus स्मार्टफोन का। ऐसा ये जो S है ना इसका कलर अगर आप देखोगे तो ये है वायलेट। दैट मींस हमारे पास जो कलर वेरिएंट आ रखा है ये फैंटम वायलेट कलर वेरिएंट है। वाह क्या तुक्का लगाया मैंने। आप देखोगे यहाँ पे फैंटम वायलेट लिखा है, साथ में लिखा है 8GB RAM 128GB इंटरनल स्टोरेज और इसके अलावा बाकी बहुत ही मिनिमल सी पैकेजिंग है। राइट साइड पे कुछ भी नहीं है, लेफ्ट साइड पे लिखा है गैलेक्सी और नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में बता रखा है कि भाई इस डिवाइस के बॉक्स में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो ये देखना क्या है यार, सीधा खोलते हैं बॉक्स को, देख लेते हैं हमें इस बॉक्स में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। और सील की अगर हम बात करें तो आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इसको पहले से खोल रखा है तो आपको वो जो नाइफ से ना अनबॉक्सिंग वाला एक्सपीरियंस है वो मैं आज की वीडियो में नहीं देने वाला, बट यार बोनस फुटेज आपको पक्का से मिलेगी। तो गाइस सबसे पहले ये है बॉक्स में फोन, ये लगा हुआ था कि इसको मैंने हटा दिया, कुछ ऐसा दिखता है Samsung Galaxy S21 Plus। इसके अलावा बॉक्स में आपको मिलेगा एक और छोटू सा बॉक्स, चार्जर हमें पता है कि इसमें नहीं होगा और इस बॉक्स में देखते हैं हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। सो गाइस एक है यहाँ पे USB टाइप सी टू टाइप सी चार्जिंग केबल जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इसके अलावा बॉक्स में हमें मिलते हैं कुछ पेपर्स, वारंटी कार्ड है, इसके अलावा है रीजनल लॉक गाइड और क्विक स्टार्ट गाइड। क्विक स्टार्ट गाइड अगेन एज आई ऑलवेज से, अगर आपको एक स्मार्टफोन के बारे में अच्छे से नहीं पता कि कैसे उसको स्टार्ट करना है, बूट करना है, सेट करना है तो क्विक स्टार्ट गाइड यहाँ पे दे रखिए, आप इसको चेकआउट डेफिनेटली कर सकते हैं। सो गाइस ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं Samsung Galaxy S21 Plus के बॉक्स में, बट सिंस मैंने सील थोड़ा सा इसका पहले से काट के रखा था तो आपको एक बोनस फुटेज में दिखाना चाहूंगा। इसके ऊपर ये जो होती है ना प्रोटेक्टिव कवर वगैरह उसको धीरे से उतारने वाला स्लो मोशन वीडियो अब आप देख सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यार Samsung Galaxy S21 Plus स्मार्टफोन में प्री अप्लाइड ग्लास होता है, बट सिंस मैं जेस्चर जो नेविगेशन होती है एंड्रॉइड की उसको यूज करता हूं तो ये ना कहीं मेरे को लगता है कि थोड़ा सा मेरी नेविगेशन में बाधा डालता है, तो इसको भी मैं यहां पे आपके सामने खोल ही देता हूं। सो गाइस ये है Samsung Galaxy S21 Plus स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग। अगर हम बात करें स्मार्टफोन के फिजिकल ओवरव्यू की तो आपको इस स्मार्टफोन के राइट साइड पे देखने को मिलेंगे वॉल्यूम अप डाउन और साथ में पावर बटन, ऊपर की तरफ है माइक्रोफोन, लेफ्ट साइड पे आपको बिल्कुल कुछ नहीं देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ है यहाँ पे सिम निकालने वाला यंत्र वाला स्लॉट, मतलब आप यहाँ पे सिम वगैरह डाल सकते हैं, दो सिम कार्ड डाल सकते हैं आप इस स्मार्टफोन में। सो डुअल सिम वेरिएंट है यहाँ पे, यूएसबी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है, साथ में है डिवाइस का स्पीकर, वैसे आपको स्टीरियो स्पीकर इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेंगे। बात करें स्मार्टफोन की बैक की तो आपको यहाँ पे एक ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा और साथ में यहाँ पे एक है एलईडी फ्लैश, नीचे है सैमसंग का लोगो और ये जो फ्रेम है एल्यूमिनियम फ्रेम है और पीछे की तरफ और आगे की तरफ आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। बहुत ही तगड़ा यहाँ पे बैक है, मतलब आप अगर स्मचिस वगैरह की टेंशन लेते ना एक स्मार्टफोन में तो Samsung Galaxy S21 Plus स्मार्टफोन में आपको वो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आने वाली, बहुत ही स्मच फ्री आपको एक एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। बिल्ड क्वालिटी भी स्मार्टफोन की बहुत अच्छी है। एल्यूमिनियम फ्रेम की अगर हम बात करें तो एंटीना लाइनिंग्स जो है आपको राइट साइड पे एक देखने को मिलेगी, ऊपर की तरफ भी एक है, लेफ्ट साइड पे है दो और नीचे की तरफ भी दो एंटीना लाइनिंग्स हैं। सो फिजिकल ओवरव्यू हो गया गाइस ये और बिल्ड क्वालिटी एज आई सेड बहुत ही स्ट्रांग, अच्छी सॉलिड कंस्ट्रक्शन आपको स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी। और डोमिनो की भी अगर बात करें तो उसको भी Samsung Galaxy S21 जो प्लस स्मार्टफोन है बहुत पसंद आया। भाई Samsung Galaxy S21 Plus स्मार्टफोन की जो रियर है ना इसका मटेरियल मेरे को Samsung Galaxy S21 Ultra स्मार्टफोन से भी बेटर लगा, मतलब अगर आप एक फर्म ग्रिप चाहते हो किसी स्मार्टफोन में तो Galaxy S21 Plus में आपको एक बेटर मटेरियल मिलेगा और बहुत एक तगड़ी ग्रिप बनेगी। इसकी जो है ना गिरने की टेंडेंसी होती है वो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा है, मतलब आप इस स्मार्टफोन को अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो, कॉन्फिडेंट रहोगे यार ये स्मार्टफोन आपके हाथ से ड्रॉप नहीं होगा। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा Samsung Galaxy S21 Plus जो स्मार्टफोन है इसकी ये जो होती है ना मोटापा थिकनेस या थिननेस आप कह लो ये Samsung Galaxy S21 सीरीज में सबसे कम है, 7.8 mm
इसकी थिकनेस है और ये चीज भी मेरे को लग रहा है कि ओवरऑल आपकी यूजेज में बहुत हेल्प करने वाली है। नॉट जस्ट दैट, ओवरऑल फुटप्रिंट की अगर हम बात करें तो गैलेक्सी S21 प्लस और S21 अल्ट्रा दोनों के फुटप्रिंट ओवरऑल मेरे हिसाब से मोर और लेस सेम है, बट यहाँ पे फ्लैट पैनल है तो आपको एक और रीअश्योरेंस मिलती है यूज करते टाइम। और गेमिंग के लिए भी मेरे को लग रहा है कि यार गैलेक्सी S21 अल्ट्रा स्मार्टफोन से S21 प्लस जो स्मार्टफोन है ये थोड़ा सा आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल हो सकता है। And this last thing but not the least, certainly not the least, Samsung Galaxy S21 Plus smartphone में आपको एक IP68 rating भी देखने को मिलती है। So yes, overall अगर एक flagship smartphone की हम बात करें तो यार ये चीजें जो है हम notice करते हैं, हम चाहते हैं अपने smartphones में, तो Samsung Galaxy S21 Plus smartphone has got us covered there as well. वैसे Samsung Galaxy S21 Plus स्मार्टफोन में एक अच्छी खासी बड़ी 6.7 इंच की फुल HD प्लस डायनामिक एमोलेड 2X डिस्प्ले मिलती है। मतलब डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छी क्वालिटी आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी। 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है जो डायनामिक रिफ्रेश रेट है, मतलब 48 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक ये ना इधर उधर आगे पीछे हिलती रहेगी। डिपेंडिंग ऑन वेरियस सिनेरियो ये अलग अलग आपकी रिफ्रेश रेट जो है ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट आप वैसे 120 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज पे इसको सेट कर सकते हैं। 1300 निट्स की यहाँ पे ब्राइटनेस है और अगर हम बात करें यार आउटडोर विजिबिलिटी की वगैरह की तो सैमसंग गैलेक्सी S21 प्लस जो स्मार्टफोन है इसमें आपको बहुत ही तगड़ी ब्राइट और वाइब्रेंट डिस्प्ले देखने को मिलेगी। इन्फिनिटी ओ पैनल है, 2400x1080 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन है, 394 ppi आपको पिक्सल डेंसिटी इसमें मिलेगी और एक सेंट्रली अलाइंड सिंगल पंच होल सेल्फी कैमरा है स्मार्टफोन में। ऑफ कोर्स कैमरा के बारे में आगे मैं बात करूंगा, बट यार यूजुअली मैंने हमेशा अपनी अनबॉक्सिंग्स में और किसी भी स्मार्टफोन को एक्सपीरियंस करते हुए हमेशा ये बात बोली कि लेफ्ट अलाइंड जो सिंगल पंच होल सेल्फी कैमरा होता है ना वो मेरे हिसाब से बेस्ट इंप्लीमेंटेशन होती है किसी भी सेल्फी कैमरा की, बिकॉज आप गेमिंग कर रहे हो कंटेंट कंजप्शन के टाइम पे ना वो आपको इतना मतलब तंग नहीं करेगा, इतना मतलब ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह जो होती है ना वो आपको लेफ्ट अलाइन सिंगल पंच होल सेल्फी कैमरा में नहीं मिलती। यहां पे है सेंट्रली अलाइन सिंगल पंच होल सेल्फी कैमरा और आई एम नॉट सो श्योर कि आप कितने इजिली इस पे एडजस्ट कर पाएंगे, बट सच इज द केस विद द सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा S21 एज वेल। बट ये जो सेंट्रली अलाइन सिंगल पंच होल भी है ना ये बहुत ही माइन्यूट सा छोटा सा पंच होल है, सो आई एम प्रीटी श्योर कि यार अगर आप कंटेंट कंजप्शन वगैरह करना चाहते हैं स्मार्टफोन में तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओवरऑल अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो मैं इसको बहुत अच्छी रेटिंग देना चाहूंगा, बहुत ब्राइट डिस्प्ले है, कोई भी प्रॉब्लम मेरे को सैमसंग गैलेक्सी S21 प्लस स्मार्टफोन की डिस्प्ले से नहीं आई। वैसे सैमसंग गैलेक्सी S21 प्लस स्मार्टफोन में आपको एक 5 नैनोमीटर एक्सिनोस 2100 प्रोसेसर मिलता है, 8GB रैम है LPDDR5, 128GB या फिर 256GB इंटरनल स्टोरेज है। मेरे पास ऑफ कोर्स 128GB वेरिएंट है और आउट ऑफ द बॉक्स आपको समवेयर अराउंड 102GB आपको फ्री स्पेस मिलेगी, मतलब बाकी की जो स्पेस है ये OS वगैरह ने कंज्यूम कर रखी है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो यार मेरे को लगता है कि सैमसंग गैलेक्सी S21 प्लस या रादर ये जो पूरी सीरीज है ना ये एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक सीरीज है, बहुत ही तगड़ी आपको यहां पे परफॉर्मेंस मिलेगी, कोई भी लैग वगैरह मेरे को तो देखने को नहीं मिला। अब यार ऑफ कोर्स Qualcomm Snapdragon प्रोसेसर वर्सेस Exynos के जो प्रोसेसर होते हैं ना इनको लेके लड़ाइयां वगैरह होती रहेंगी, बट अगर आप बात करो जनरल यूसेज की, अगर आप गेमिंग वगैरह करना चाहते हो या आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, YouTube वीडियोस वगैरह देख रहे हो तो गैलेक्सी S21 प्लस स्मार्टफोन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। एड टू दैट द फैक्ट दैट Samsung Galaxy S21 प्लस हैज अ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट डिस्प्ले, तो ओवरऑल आपको एक बहुत ही स्मूथ लैग फ्री ऑप्टिमम एक्सपीरियंस Samsung Galaxy S21 प्लस स्मार्टफोन में मिलता है। जैसे मैंने स्मार्टफोन को अनबॉक्स किया था राइट आउट ऑफ द बॉक्स हमें दिसंबर का एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच स्मार्टफोन में मिल रहा था। ऑफ कोर्स एंड्रॉइड 11 है, वन यूआई 3.1 है, बट अभी मैंने इसको जब इंटरनेट वगैरह से कनेक्ट किया वाईफाई से तो उसके बाद एक अपडेट आया और जनवरी का लेटेस्ट एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच जो है स्मार्टफोन में अब रोल आउट हो चुका है। 632.79 MB इसका साइज था। सो यस, जैसे ही आप इस स्मार्टफोन को बॉक्स से निकालेंगे तो आपको दिसंबर का मिलेगा सिक्योरिटी पैच, बट यस इंटरनेट से कनेक्ट करते ही आपको लेटेस्ट जनवरी 2021 का सिक्योरिटी पैच है ये आपके Samsung Galaxy S21 Plus स्मार्टफोन में मिल जाएगा। वैसे Samsung Galaxy S21 Plus स्मार्टफोन में एक 4800mAh बैटरी है, 25 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग है, वायरलेस आपको यहाँ पे चार्जिंग सपोर्ट भी मिलती है। और दो तीन चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, पहली बात तो ये कि Galaxy S21 Ultra स्मार्टफोन को मैं यूज कर रहा हूँ पिछले बहुत सारे दिनों से और इसकी बैटरी मेरे को बहुत अच्छी लगी। ये मेरे पास पड़ा है Galaxy S21 Ultra और ये मेरा प्राइमरी डिवाइस है एज आई सेड, और इसकी बैटरी बैकअप बहुत अच्छी है। और अगर S21 Plus की बात करें तो 200mAh बैटरी कम है यहाँ पे 5000 वर्सेस 4800, बट एक चीज हमें ये भी नोटिस करनी है कि यहाँ पे फुल HD प्लस डिस्प्ले है पहली चीज, और दूसरी चीज इसकी डिस्प्ले भी थोड़ी सी छोटी है। तो ये दो चीजों को लेके मेरे हिसाब से गैलेक्सी S21 Plus स्मार्टफोन की जो बैटरी है ना इसका बैकअप बहुत अच्छा होना चाहिए, बिकॉज बाकी की सारी चीजें मोर और लेस सेम है, प्रोसेसर सेम है, SoC इज द सेम,
बट स्टिल मैं एक 100% जो वर्डिक्ट होता है इसकी बैटरी को लेके वो आज की वीडियो में नहीं दूंगा। एक बहुत तगड़ी वीडियो आने वाले कुछ टाइम पे हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलने वाली, सो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं। और गैलेक्सी S21 प्लस स्मार्टफोन की बैटरी की वैसे अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से आपको एक बहुत अच्छा बैटरी बैकअप इस स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है। 25 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग रिमेंबर अल्ट्रा में भी थी, इसमें भी है प्लस में, और 200 mAh बैटरी कम है तो इसका मतलब ये जल्दी चार्ज होगा। नॉट जस्ट दैट, लास्ट थिंग फ्लैक्स करके मैं आपको दिखाना चाहूंगा, गैलेक्सी S21 प्लस स्मार्टफोन में आपको वायरलेस पावर शेयरिंग का भी फीचर मिलता है। दैट मीन्स ऐसे रख के कोई भी प्रोडक्ट जिसमें आपको वायरलेस चार्जिंग की सपोर्ट मिलती है उसको आप चार्ज कर सकते हैं यूजिंग योर सैमसंग गैलेक्सी S21 प्लस स्मार्टफोन। गाइस बायोमेट्रिक्स की अगर हम बात करें तो यार मैं बहुत ओपनली बताना चाहूंगा, सैमसंग के जो पिछले जनरेशन के गैलेक्सी फोन थे, नोट 10 प्लस स्मार्टफोन को मैंने यूज किया और उसमें जो फिंगरप्रिंट स्कैनर था वो तो अच्छे से काम करता था, बट उसका फेशियल अनलॉक जो मैकेनिज्म है ना, इट यूज टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत स्लगिश सा फेशियल अनलॉक मैकेनिज्म था। थैंकफुली इनफ सैमसंग हैज फिक्स दैट और सैमसंग गैलेक्सी S21 प्लस स्मार्टफोन में आपको बहुत फास्ट, बहुत प्रिसाइज और बहुत एक्यूरेट बायोमेट्रिक्स मिलते हैं। फिंगरप्रिंट स्कैनर तो बहुत ही फास्ट है और फेशियल अनलॉक की भी अगर बात करें तो मैंने बहुत मतलब अंधेरे कोनों में भी जाके इसको यूज करने की ट्राई की और यस इट अनलॉक्स लाइक चार्म। और अगर आप बायोमेट्रिक्स को लेकर चिंतित वगैरह है तो गैलेक्सी S21 प्लस स्मार्टफोन में आपको कोई भी चिंता लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी तरीके से आपको यहाँ पे अनलॉकिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है। वैसे कैमरा की बात करते हैं अब सैमसंग गैलेक्सी S21 प्लस स्मार्टफोन के, ऑफकोर्स दिस सीरीज इज अ पावर सेंट्रिक सीरीज, बट कैमरा की अगर हम बात करें तो इस सीरीज ने वहां पे भी कोई कसर नहीं छोड़ी। सैमसंग गैलेक्सी S21 प्लस स्मार्टफोन में आपको फ्रंट पे देखने को मिलता है 10 मेगापिक्सल का डुअल पिक्सल ऑटो फोकस वाला कैमरा, फील्ड ऑफ व्यू है यहाँ पे 80 डिग्रीज का, F2.2 अपर्चर है, पीछे की तरफ है 3 कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, साथ में 12 मेगापिक्सल का एक वाइड लेंस और साथ में 64 मेगापिक्सल का आपको मिलता है टेलीफोटो लेंस, 30x का स्पेस जूम आपको देखने को मिलेगा और साथ में यहाँ पे 8K वीडियो स्नैप फीचर देखने को मिलेगा, मतलब 8K वीडियो रिकॉर्डिंग आप इस स्मार्टफोन में कर सकते हैं 24fps पे। इसके अलावा बहुत सारे आपको अलग-अलग फीचर्स मिलेंगे वीडियो रिकॉर्डिंग में और यू नो फोटोज वगैरह की अगर हम बात करें तो बहुत तगड़े-तगड़े फीचर जो है स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाले हैं, बट वो मैं ऐसे थ्योरेटिकल बात नहीं करूंगा। इसके बाद हम चलेंगे बाहर और बहुत सारी फोटोग्राफी करके वीडियोग्राफी करके मैं आपको आगे चल के दिखाने वाला हूं। चल डोमिनो अब फोटो खींचते हैं, तो अभी के लिए हम ट्राई करते हैं सैमसंग गैलेक्सी S21 प्लस स्मार्टफोन से कुछ कैमरा सैंपल्स लेने की और आपको मैं बताऊंगा कि यार रात के टाइम पे इसका नाइट मोड कैसा परफॉर्म करता है। तो अभी आप देखो यार ये है विदाउट नाइट मोड, ये शॉट मैंने ली है विदाउट नाइट मोड और इसमें भी अच्छा खासा आपको एक यू नो ब्राइट लिट इकोसिस्टम देखने को मिलेगा, बट सीन ऑप्टिमाइजर मैंने किया ऑन और उसके बाद अब ये नाइट मोड में भी हम एक आध शॉट ले लेते हैं। ट्राई करेंगे एक मून शॉट भी लेने की, सो तो गाइस ये था सैमसंग गैलेक्सी S21 प्लस स्मार्टफोन आप लोगों के लिए, बहुत ही तगड़ा वाला कलर है ये मेरे पास और बहुत पसंद आया मेरे को स्मार्टफोन यूज करके। आई होप आपको भी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एंड यस गाइस सैमसंग गैलेक्सी S21 सीरीज की अगर हम बात करें तो ये जो गैलेक्सी बड्स प्रो है इनकी अनबॉक्सिंग ऑलरेडी हमारे चैनल पे लाइव हो चुकी है, गैलेक्सी S21 अल्ट्रा की अनबॉक्सिंग लाइव हो चुकी है, पीछे की तरफ अगर आप देखोगे तो सैमसंग गैलेक्सी S21 भी पड़ा है उसकी अनबॉक्सिंग भी आने वाली है और इवन सैमसंग गैलेक्सी स्मार्ट टैग जो है ना इनकी भी वीडियो आपको जल्दी हमारे चैनल देखने को मिलने वाली। सो यस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और ऐसी बहुत ही तगड़ी तगड़ी प्रीमियम अनबॉक्सिंग्स अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अभी के अभी और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार, टिल देन खुश रहिए, आबाद रहिए, फलते फूलते रहिए, ऐसे ही चुम्मेश्वरी वीडियोस को देखते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, पीस, जय हिंद।